गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और बस अभी नहा कर आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किए हुए हैं और थोड़ा सा क्या करना है नहीं बता रही मैं, ना बाद में बताऊँगी। ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। अच्छा, अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि नहा के आके खड़ी हुई, और फिर बनाऊंगी मैं खाना। खाने में आज बनाना है मुझे शाही पुलाव, तो आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। आज बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों को सिखाऊंगी। और बच्चे गए हैं दोनों स्कूल, आज तो राधिका भी नहीं, क्योंकि राधिका का है कोलाज का कंपटीशन, कल से वो प्रिपरेशन कर रही थी बैठ के। तो अब देखते हैं आज क्या होता है उनके कॉम्पिटिशन में, क्योंकि 12th है। तो मैं उसे मना करती हूँ कि तुम ज़्यादा कुछ मत किया करो अभी, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, फालतू कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, अब एक दो कर लेती हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा, क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चे एक्स्ट्रा टाइम दे दे के स्कूल में रुकते हैं और फिर फालतू उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। और फिर अभी CBSE बोर्ड है उनका, 12th है, तो मुझे यही लगता है कि ज़्यादातर यदि पढ़ाई करोगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ किचन में। पहले मैं पाठ करूँगी भगवान जी का और फिर मैं जाती हूँ किचन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिखा रहे हैं आप लोगों के लिए सोया बड़ी पुलाव। ठीक है, ये सोया बड़ी है जो मैंने अभी निकाल के रखी हुई है। ये 4 टमाटर लिए हैं मैंने, और ये चावल हैं। तो दोस्तों, ये एक गिलास मैंने चावल लिए हैं छोटे गिलास से, और ये सोया बड़ी, ये लेमन जूस, और मसालों में क्या क्या लिया है वो, और ये प्याज काटी है, लंबी लंबी प्याज काटना है। और ये जो मसाले मैं बता रही हूँ, खड़े मसाले कुछ लिए हैं मैंने, जैसे लौंग लिए हैं, दो लौंग हैं, एक ये बड़ी दौड़ा बोलते हैं हम लोग, बड़ी इलायची भी बोल सकते हो आप लोग, तेज पत्र है, ये दालचीनी है, और ये शाही बिरयानी मसाला है, और ये कसूरी मेथी है, ये खड़ी लाल मिर्च है, अच्छा ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट करके रखा हुआ है, और ये जो है वो सुहाना का मसाला है जो वेज बिरयानी के लिए आता है, ये हम जरूर डालते हैं कभी भी हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें, और लेमन जूस भी जरूर डालते हैं। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका पुलाव बहुत टेस्टी बनने वाला है। और ये सूखे मसाले में सिर्फ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नमक लिया है, बाकी हल्दी वगैरह हम लोग नहीं डालते पुलाव में। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आप देखिए कि कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले इन टमाटरों के पीस करके मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। तो देखो, ये मैंने पेस्ट बना लिया है टमाटर का। अब सबसे पहले मैं एक भगोनी में पानी बॉईल करने रखूंगी, और ये जो सोया बड़ी है इनको इसमें बॉईल करूँ, क्योंकि कभी भी आप लोग ध्यान रखना, सोया बड़ी को डायरेक्ट ऐसे सूखा नहीं डालना, क्योंकि इसमें कहते हैं कि वो झाग जो आता है ना, उससे काफी नुकसान होता है बॉडी को, इसलिए। तो आप लोग हमेशा इनको, सब्जी भी बना रहे हो तो भी बॉईल करिए, है ना, बॉईल करके ही यूज करना। चलिए, पानी गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने बड़ी डाल देती हूँ बॉईल के लिए, वो भी बहुत जल्दी बॉईल हो जाएंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉईल करने के बाद भी आप एक बार और अच्छे पानी से इसको वॉश कर लेना, ताकि पूरा झाग निकल जाए उनका। ये कुकर भी मैंने गर्म होने रख दिया है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। आप इसको शुद्ध घी से भी बना सकते हो और ऑयल में भी बना सकते हो। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, करीब मैंने बड़े टीस्पून, जो अपना टेबल स्पून रहता है ना, उससे करीब 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसमें। ये पानी में जैसे ही डाली तो ये फूल जाती है, स्पंजी हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ऑयल धुआं देने लगा है। इसमें सबसे पहले हम खड़े मसाले डालने वाले हैं, दालचीनी, तेज पत्र, है ना, ये सारा चीज, खड़ी लाल मिर्च, और इसको घुमा देंगे थोड़ा सा ताकि ये जल ना जाए। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें साहा जीरा भी डाल रही हूँ, फिर ये अपना प्याज, प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए, ये भी गल चुकी हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने पहले भी सब्जियों में बताया था आप लोगों के लिए कि कभी भी अदरक लहसुन का पेस्ट डायरेक्ट तेल में ना डालें,
तो फिर उसका जो फ्लेवर रहता है वो नहीं आता है। आप हमेशा जब भी कोई भी सब्जी बनाए प्याज के बाद ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। तो ये देखिए अच्छे से हो रहा है। चलिए हमारी प्याज भून चुकी है, अभी हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट, थोड़ा सा भून लेंगे इसको अच्छे से। तेज आंच कर लिए मैंने गैस की। चलिए इसमें बाकी के मसाले डाल रही हूँ मैं। कसूरी मेथी डाल दी है, वेज बिरयानी मसाला डाल दिया है, और ये अपना सुहाना का जो मसाला था वो भी डाल दिया है। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अब नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, और थोड़ा सा इसको अभी पकाऊंगी। इसका खुशबू इतना बढ़िया आ रहा है दोस्तों कि बता नहीं सकते आप। एकदम से जब आप खाएंगे ना इसको तो आप खुद मतलब सोचेंगे कि यार क्या अच्छी रेसिपी बताई है आज। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग अपने घर में, और बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता। जब कुछ ना बना रहे हो तो ज़रूर इसको बनाइए। बहुत इजी मेथड है जैसा मैंने बताया, और जल्द मतलब ऐसा है कि जब भी ऐसा लगता है ना कि कुछ और खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो हम इसको ही बना के ट्राई कर रहे हैं। तो अभी ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है इसकी खुशबू सूंघ सूंघ के कि मैं खाना खा लूं जल्दी से। तो अभी जल्दी ये बन जाए फिर मैं भोजन करूंगी, जब तक बच्चे भी आ जाएंगे हमारे। जब तक मैंने देखो चावल को अच्छे से धो लिया है ताकि इसका जो सफ़ेद पाउडर रहता है वो पूरा निकल जाए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस डालने से फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा आता है दोस्तों। किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद ना हो तो वो लेमन जूस को अवॉइड भी कर सकता है। अब साथ में डाल रही हूँ चावल, मिक्स करूँगी मैं इसको। अब बस ये बड़ी डालूंगी, मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया था बाहर। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि आपको पुलाव में पानी का जो अंदाज है वो बहुत ध्यान से करना है। जैसे मैंने एक गिलास चावल लिए थे, इस गिलास से मैंने एक गिलास चावल लिए थे, तो अब मैं इससे ही भर के दो गिलास पानी डाल दूंगी इसमें। क्योंकि बाकी सब चीजों में जैसे हमने सोया बड़ी भी पका ली है तो ऑलरेडी वो पानी को ऑब्जर्व कर चुकी हैं, तो उस हिसाब से पानी नहीं डालना, हमको सिर्फ चावल के ही हिसाब से पानी डालना है, ठीक है। तो एक गिलास पानी तो मैंने डाल दिया है, दिख रहा होगा आप लोग को, और ये दूसरा गिलास मैंने डाल दिया, ठीक है। अब बस इसमें मैं सिर्फ दो सीटी लूंगी, ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। दो सीटी जैसे ही आ जाएंगी वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। अभी देखिए आप ये कितना अच्छा लग रहा है। बस देखिए गैस मैंने तेज पर कर दिया है और सिर्फ दो सीटी लूंगी, कुकर लगा दिया है मैंने। जब तक मेरा जो किचन फैला हुआ है वो सब मैं समेट लेती हूँ, देखो कितना फैल गया। चलिए जब तक मैं साफ सफाई कर रही हूँ, पूरा गैस वगैरह सब साफ कर देती हूँ, जब तक किचन फटाफट, ताकि जल्दी जल्दी वो जब तक पकेगा और फिर बच्चे भी आ जाएंगे हमारे, तो फिर बच्चों नहाएंगे पहले फिर खाना मांगेंगे, तो हम सोचते जल्दी जल्दी सभी काम कर लेते हैं। मैंने सब क्लीन कर दिया है बाकायदा पूरा, और जब तक यहाँ पर भी सीटी आने वाली है कुकर में, ठीक है। एक साइड है हमारा दूध रखा हुआ है, क्योंकि दूध हम गैस पे ही रख के छोड़ते हैं, बिल्ली आती है तो फिर डर लगता है, तो किचन बंद कर देते हैं हम लोग। तो जल्दी से बस इसमें दो सीटी आ जाए तो इस कुकर को भी मैं बंद कर दूंगी। इसमें दो सीटी आ चुकी हैं, अब मैं कुकर को कर दिया बंद। अब इसको मैं खोलूंगी नहीं जब तक ये ठंडा ना हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसी लग रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आज मैं रील्स बनाने के लिए तैयार हुई थी, मैंने की वीडियो बनाएंगे तो आज थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैंने आज ब्लैक साड़ी पहना है, एक्चुअली ये वो साड़ी है दोस्तों जो मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट करी थी, लेकिन मम्मी ने पहले कहा कि पहले तुम पहन लो। तो अच्छा कहती है कि कन्याओं को पहले, अब मम्मी के लिए तो मैं अभी भी कन्या हूँ, भले ही मैं इतनी बड़ी हो गई तो क्या हुआ, अपनी माँ के लिए तो सभी लोग छोटे ही रहते हैं ना हमेशा। तो मम्मी बोलने लगी कि पहले तुम पहनो फिर हम पहन लेंगे, तो मैंने कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, मेरे पास ब्लाउज तो था ही, तो मैंने ये साड़ी ट्राई करी। कैसी लग रही है साड़ी देखो आप लोग, बहुत सुंदर लग रही है ना। मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था,
और इसका कलर अच्छा लगा था, तो मैंने कि यार आज तो मैं यही ट्राई करने वाली हूँ रील्स के लिए, वीडियोस के लिए। अच्छा लगता है कभी कभी रेडी होना, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बड़ा शौक है तैयार होने का, तो और सबसे ज्यादा शौक है मुझे साड़ी पहनने का, है ना। इतना अच्छा ना मुझे कोई ड्रेस और अच्छा नहीं लगता अपने ऊपर, मुझे सबसे अच्छी अपने ऊपर साड़ी लगती है, ऐसा मैं खुद अपने लिए। बाकी तो मुझे नहीं मालूम लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्योंकि मैं लोगों के कहने के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहनूंगी। जो मेरी च्वाइस है मैं वो, जो मुझे अपने आप में अच्छा लगता है वो काम मैं करती हूँ दोस्तों। तो आज मुझे लगा कि यार मैं तैयार होंगी थोड़ा सा, हालांकि मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, क्या पता क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, मेरी कमर से पैर तक का एक्सेस कोई नस वस दब रही, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। तो मैंने चेकअप भी करा लिया था, तो कोई साइटिका कोई अर्थराइटिस कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करके दिखाओ, तो उन्होंने मुझे ऐसे कहले झुक के पैर पकड़ो, तो मैंने बाकायदा पूरा नीज को अपने मतलब डाउन नहीं किया, सीधा मैंने अपने पैर भी पकड़ के दिखा दिया। कहले अरे वाया, कहले ये तो सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सकता है कोई नस दब रही है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों। इंजेक्शन लगवाने जाते हैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लग रहे हैं, वो बोल रहे थे कि पूरा आपको कोर्स लेना पड़ेगा। तो अभी आज तो मैं सोच रही थी सुबह चली जाऊंगी, लेकिन सुबह टाइम नहीं मिल पाया, अभी रात में जाऊंगी मैं, क्योंकि जब क्लिनिक पर जाओ तो बहुत भीड़ होती है दोस्तों, इतना टाइम भी नहीं होता कि वहां बैठ के इंजेक्शन लगवाओ, इसलिए मैं फिर लास्ट में जाती हूँ जब मतलब दुकान उनका क्लिनिक बंद होने को होता है, जब 4-6 लोग बचते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप, हालांकि हमारी क्लिनिक बिल्कुल घर के बिल्कुल 2 कदम पर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तो बस कि पैर ठीक हो जाए। मुझे दर्द ऐसे जब तक गोली दवाई खाते रहते ना, तो जब तक तो वो ठीक रहता है, और जैसे ही गोली दवाई नहीं खाओ, हालांकि मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, सच बता रही हूँ, टच वुड, बहुत कमी से मतलब ऐसा बीपी लो होता है बस मेरा, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, भगवान की कृपा से। आप लोग भी प्रेयर करना कि मुझे ऐसा कुछ ना, क्योंकि मेरी ये 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और मुझे उन्हें बड़ा करना, उनके लिए कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो कभी कभी टेंशन में जाते हैं कि भगवान ये क्या कर रहे हो मेरे साथ कर रहे हो। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, देखो सबका अपना अपना है कि नहीं। अब देखो यार एज भी हो रही है ना, धीरे धीरे देखो कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं सबकी बॉडी में होते हैं, तो हो सकता है मेरे को भी अभी अभी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए हो मे भी, है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ दिखाते हैं आपको, कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई है हमारी, और हमसे दवाइयाँ खाते नहीं बनती हैं दोस्तों, ये देखो। और शरीर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और एक ही दवाई जो मुझे रात में लेनी पड़ती, दिन में भी बोला है, एक मिनट गिर गई वो, ये मुझे बोला है डॉक्टर ने कि ये दिन में भी लेनी है और रात में भी लेनी है, लेकिन क्या होता है इसको खाने के बाद नींद आती है, 1 घंटे तक सोना है डॉक्टर ने बोला है, लेकिन मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं ये दिन में नहीं ले पा रही क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं दिन में यदि 1 घंटा सो गई तो मेरा काम कौन करेगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ रात में ले रही हूँ। मैंने डॉक्टर को नहीं बताया, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे कि तुम पूरा डोज नहीं ले रही हो इसलिए तुम ठीक नहीं हो रही हो, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है कि मैं दवा दिन में भी ले सकूँ, क्योंकि 1 घंटा यदि मैं सो गई तो ये काम कौन करेगा जो मुझे दिन भर के लिए करना पड़ता है। मेरी मम्मी कहने लगी मैं कर दूंगी सारा काम, मैंने कि नहीं यार आप इतना ही मेरी हेल्प कर देती हो, वो ही बहुत है, बहुत कर देती है मेरी माँ, सच बता रही, उन्हें लगता है कि दिन भर अपने काम में लगी रहती है। और आज सोच रही थी कि ड्राइंग का वीडियो भी शूट करूं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो अभी बस 4 बजने वाले हैं दोस्तों, अब देखो करेक्ट 4 बज गए हैं घड़ी में, और मैं जाऊंगी नीचे, मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो ये पूरा जो लिबास है पूरा चेंज कर लूं, क्योंकि ऐसे जाके तो मैं अपनी क्लास में नहीं बैठने वाली, बच्चे बोलेंगे मैडम कौन से फैशन शो में गई थी आज। बच्चों को क्या बताऊं कि मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नीचे क्लास में। तो आज का पूरा ब्लॉग प्लीज बिना स्किप करिए देखिएगा, स्किप करके देखते हो तो फिर आपकी बहुत सी चीजें छूट जाएंगी, है कि नहीं। तो चलिए बने रहना ब्लॉग में। तो देखिए आ चुकी हूँ मैं अपने गेटअप में, घर वाले है ना, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, इयर्स कान के वगैरह सब मैंने उतार दिए,
जो मैंने हार पहना था वो भी उतार दिया, क्योंकि घर में ये सारी चीजें तो मैं वैसे भी नहीं पहनती, आप लोगों ने डेली में देखा होगा, मैं कान में भी नहीं डालती रोज में, ना मेरे हाथों में कुछ रहता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है फालतू के काम करने का। हाँ बस मुझे लाइनर लगाने का शौक है, मुझे मालूम है लोग फालतू की बातें बोलते हैं, बोलते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी लिपस्टिक को लेकर बोलते हैं, बोलते रहो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगी ही, है ना। जो गलत गलत बोलते हैं ना, खूब देखो खूब जलो, बस मैं इतना बोलूंगी, जो गलत बोलते हैं मेरे लिए, जो अच्छा बोलते हैं, जो मेरी YouTube फैमिली मुझे मालूम है बोलो बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आके गलत गलत कमेंट करके जाते हैं ना, तो करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के कमेंट से। बाहर तो निकल दीदी, आप अच्छे से मार्केट में नहीं गए? हाँ इसकी बाहर निकलो दीदी, देखो आज ये सब्जी लेके आ गई राधिका, क्यों राधिका कौन लेके आया? मस्ती करो मिष्टी रानी, हमको परेशान। राधिका नाना जी से पूछा क्या सब्जी बनना है? बस वही बनवा लो, मुझे नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मम्मी का फेस लॉक से खुल रहा है ये मिष्टी, देखो मेरे फोन को मेरे ही फेस लॉक से खोल रही है।